हाँ तो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ राज, कैमरे के पीछे तुषांत। और यार, फाइनली बहुत दिनों बाद हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे एकदम फ्रेश, कमाल धमाल और बहुत ही बढ़िया वाले सीरीज़ में, जिसका नाम है बेस्ट ऑफ भिलाई। और ये है हमारा एपिसोड 4, जो कि है सुपेला का। ठीक है, तो चलो देखो आप लोग और बताना मेरे कॉमेंट सेक्शन में, और वीडियो को दबा के शेयर करना। अभी से बोल देता हूँ मैं, वीडियो स्टार्ट करने के पहले से। ठीक है जी, चलो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो जरूर कर लेना, यहाँ पे आपको यूजर नेम मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ तो यार, हमारा जो पहला लोकेशन है वो है मुंबई सिगड़ी डोसा। लोकेशन आपको बता देता हूँ मैं, ये देख रहे हो आप रॉकी फर्नीचर, ठीक है, द रॉकी फर्नीचर, जिसका एड आप लोग थिएटर में देखते हो। और ये जा रहा है हमारा फाटक की ओर, और यहाँ पर लगा हुआ है जस्ट हमारा मुंबई सिगड़ी डोसा, ये देख लो। हाँ तो यार, ये देख लो, ये है यहाँ का मेन्यू। पहले सिर्फ यहाँ पे डोसा ही मिलता था, लेकिन अब डोसा के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। और ये डोसा वाला मेन्यू, इस बार हम लोग कोई दूसरा डोसा ट्राई करेंगे, इस बार नॉर्मल पिछले बार वाला ट्राई नहीं करने वाले। और ये हमारा डोसा बनना स्टार्ट हो चुका है, ये देख लो। हम लोग ऑर्डर किए हैं स्वीट कॉर्न डोसा, ये देख लो यार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप लोग को नॉर्मल डोसा पसंद है कि इस टाइप का सिगड़ी डोसा, फ्यूज़न डोसा ज़्यादा पसंद है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो यार आप लोग। और ये हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। और यार, ये डोसा जो है ना, वो देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया मतलब बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ये देख लो। तो ये रेडी हो गया यार हमारा स्वीट कॉर्न चीज़ डोसा, ये देख लो, जो कि देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। साथ में मिला ये नारियल चटनी, ये देख लो, ये मिला है साथ में नारियल चटनी, और ये हमारा ग्रीन चटनी। चलो अब लेट ना करते हुए जल्दी से खाते हैं। तो ये देख लो, लेते हैं अपन अपना फर्स्ट बाइट। बहुत ही एकदम मीठा सा स्वाद है, स्वीट कॉर्न है ना, तो नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं। बढ़िया से कॉर्न का टेस्ट आ रहा है, मेयोनीज भर कर डाला उसका टेस्ट आ रहा है। और इसको बिना हाथ गंदा करे आप नहीं खा सकते, बता रहा हूँ ना, पांचों उंगली को मेरे को चाटना पड़ जा रहा है। ओहो, शानदार। हाँ तो यार, हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है मथुरावासी चाट सेंटर। यहाँ का हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, मतलब पहले बनाया हूँ, बहुत पहले, अभी नहीं, बट दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ना क्योंकि ये है हमारा बेस्ट ऑफ भिलाई, और सुपेला का बना रहे हैं तो यहाँ का इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब मैं बोल दूँ ऐसा कि यार ये प्लेस है, यहाँ ये वाला वीडियो है देख लेना, तो वो मज़ा नहीं आएगा, वीडियो में इंक्लूड करना होता है ज़रूरी, इसलिए किए हैं। तो चलो अंदर चलते हैं, लोकेशन बता देता हूँ आप लोगों को। ये नज़र आ रहा होगा, ये अपना घड़ी चौक वाला रास्ता है यहाँ से, ठीक है, और ये सीधा हमारा रोड आ रहा है, और ये है हमारा हिमालय कॉम्प्लेक्स, और ये लगा हुआ है मथुरावासी चाट सेंटर। हाँ तो यार, ये देख लो, ये गर्मा गर्म फ्रेश देसी घी में आलू टिक्की तैयार हो रहा है, ये देख लो, बहुत स्वादिष्ट रहता है जो कि, ये देख लो मेकिंग देख लो। वैसे तो आज हम लोग चाट नहीं खाने वाले, लेकिन आप लोग मेकिंग देख लो, आज हम लोग यहाँ से दही बड़ा खाएंगे, बट देख लो मेकिंग देखने में क्या आ जाता है, बहुत बहुत ही सुंदर दिखता है ये चाट यहाँ का, लगता भी टेस्टी है। अगर आप लोग को इस चाट का वीडियो देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हो, हमारे चैनल में ऑलरेडी है इसका वीडियो। और ये हमारा मेन आइटम बन रहा है आज का, दही भल्ला या फिर दही बड़ा, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये देख लो यार, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ये, मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ यहाँ का,
और ये फाइनल गया हमारा अनार, बहुत ही जो कि टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये यार लग चुका है हमारा फ्रेश कमाल धमाल वाला हमारा चाट। तो चलो आप खाते हैं लेट ना करते हुए। ये देख लो एकदम थिक दही है यार, बहुत सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं अंदर बड़े के अंदर। और ये देख लो अंदर ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, काजू किशमिश दिख रहे हैं आप लोग को। तो चलो एक बाइट लेते हैं फटाक से। शानदार, बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे स्पॉन्सर के बारे में। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जलाराम्स मस्तानी महल कैफ़े। ये है कोका जुनवानी रोड में। ये स्पेशली यार शेक्स और आइसक्रीम के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नया खुला है अभी और बहुत ही ऑसम कैफ़े है यार। आप लोग ये जैसे वीडियो में देख ही रहे हो, और अगर इस प्लेस का डिटेल में वीडियो आप लोग को देखना है रिव्यू वीडियो, तो वो हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और ज़रूर एक बार जाओ और चेकआउट करो यार, बहुत ऑसम प्लेस है। तो चलो अब वापस आते हैं हमारे वीडियो में। तो यार हमारा नेक्स्ट प्लेस है सलोनी स्वीट्स। ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने चाय के लिए। हाँ तो यार मैं आप लोग को एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ। ये देख रहे हो ये है हमारा क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग, और इससे जस्ट लगा हुआ है हमारा ये सलोनी स्वीट्स। ये देख लो एग्जैक्ट लोकेशन की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और यहाँ का भीड़ देख के आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ का चाय कितना ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे यार आप लोग को वैरायटीज़ में चाय मिल जाएगा, चाय कॉफ़ी केसर मिल्क ये सब मिल जाएगा आप लोगों को, और कुल्हड़ चाय तो है ही अपना तंदूरी चाय। और ये हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है हमारा तंदूरी चाय। वैसे मैं तो मैं पी चुका हूँ, यहाँ से नहीं पिया हूँ एक बार भी तंदूरी चाय, मैं पहले पी चुका हूँ बट यहाँ से नहीं पिया हूँ। ये देख लो गरम गरम खोलता हुआ हमारा चाय। अच्छा आप लोग में से कितने लोगों को चाय पसंद है मेरे को ये बता दो जल्दी से कमेंट में। आप लोग चाय पर्सन हो कि कॉफ़ी पर्सन हो, चाय ज़्यादा पसंद है कि कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरे को फटाक से बता दो यार कमेंट सेक्शन में। मुझे तो पर्सनली चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी उतना नहीं पसंद। और ये बात करते करते हमारा चाय भी रेडी हो चुका है, ये देख लो। और ये आ चुका है गर्मा गर्म हमारे हाथ में हमारा चाय का कप। हाँ तो यार ये आ चुका है हमारा तंदूरी चाय, टेस्ट करते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ सुना हूँ मैं, मतलब जब मैं एपिसोड 1 डाला था ना उस टाइम पे मतलब सबके सब रुक जाओ ट्रेन जा रहा है। हाँ तो जिस टाइम पे मैं एपिसोड 1 डाला था ना उसके बाद से इतने सारे लोग यहाँ का रिकमेंड किए ना मेरे को, मैं बता नहीं सकता। ठीक है कभी काउंट करके बताऊँगा इन फ्यूचर टाइम ज़्यादा रहा तो। ठीक है चलो टेस्ट करते हैं चाय को। बहुत ज़बरदस्त, रेलवे क्रॉसिंग खुल रहा है अभी, आवाज़ आ ही रहा होगा आपको। अच्छा एक चीज़ बताओ, सुपेला का नाम सुनते ही आपको सबसे पहला चीज़ माइंड में क्या आता है बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है चाय बहुत स्वाद है, इसमें एक मसाला का टेस्ट आ रहा है, जो ऊपर से मसाला छिड़ गया ना उसका टेस्ट आ रहा है। चलो टेस्ट करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट जगह पर। चलो हाँ तो यार हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन है ना वो है बुरहानपुर जलेबी। यहाँ का स्पेशलिटी है यहाँ का खोआ जलेबी, जो कि ये है गर्मा गर्म, बहुत ही गर्म है, अभी अभी निकला है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ, वो दिख रहा है ना वो है हमारा सुपेला का रेलवे क्रॉसिंग, और इधर जाएंगे तो ये है हमारा घड़ी चौक का घड़ी, देख रहे हो ये है घड़ी। ठीक, और घड़ी चौक नहीं जानते तो ये तो जानते ही होंगे, ये है हमारा रॉकी फर्नीचर। ठीक है और इसके जस्ट लगा हुआ है सामने हमारा खोआ जलेबी, बुरहानपुर के फेमस खोआ जलेबी, बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाकई में। तो चलो खाते हैं, पहले इससे स्टार्ट करते हैं और इससे एंड करेंगे। ठीक है रसीला, मैं तो यहाँ से खाते रहता हूँ तो मेरे लिए कोई नया नहीं है, ऑसम है। और पीछे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा मेन रोड के बगल में खड़ा हूँ, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है बैकग्राउंड का, मेरा आवाज़ शायद ही आप लोगों को आ रहा हो। ठीक है तो चलो इसको ट्राई करते हैं। अब ये है हमारा खोआ जलेबी, चलो खाते हैं। बहुत गर्म है, अभी निकला है, मुँह ना जल जाए मेरा, ऊपर से रस का टपक रहा है अभी, चाशनी रस नहीं। कोई जवाब नहीं, बुरहानपुर का जलेबी सबसे बेस्ट होता है।
खोआ जलेबी स्पेशली। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को सबसे बेस्ट जलेबी कहाँ का लगता है, ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे को आप लोग बताओ कि आज जितना भी डिश खाए ना हम लोग जिस जिस भी प्लेस में, उसमें से आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगा, और आप इनमें से कौन से प्लेस में गए हो, ट्राई किए हो, मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। और ये बताओ कि ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, बेस्ट ऑफ भिलाई सीरीज़, ये तो वैसे एपिसोड 4 था, बाकी पूरा मतलब ये सीरीज़ कैसा लग रहा है आप लोग को ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सी यू सून। कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना @वेजीबाबू, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो ना, मतलब वीडियो में पूरा देख के ये एंड तक आ गए हो ना, तब तो यार आप लोग को स्पेशली थैंक यू सो मच, क्योंकि एकदम लास्ट तक वीडियो में बहुत कम लोग आते हैं, और आप लोग यहाँ तक आ गए हो मतलब आप लोग एकदम बढ़िया वाले व्यूअर हो, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ मेरे को कि आप लोग में से कितने लोगों को ये पता चला कि वीडियो में एक बार मेरा शर्ट चेंज हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता चला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रीज़न ये था कि ये वीडियो जो है ना वो 2 दिन में शूट हुआ है, एक दिन में आधा शूट हुआ है, आधा से ज़्यादा, और एक प्लेस का दूसरे दिन में शूट हुआ है, इसलिए शर्ट चेंज हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग पकड़ लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, बोल लो कुछ भी जो बोलना है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।